शिवपुरी आय प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है और अधिकारियों को कार्यक्रम को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। 10 मार्च को सीएम शिवराज सिंह चौहान माधव राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर छोड़ने के लिए आ रहे हैं। वहीं प्रभारी मंत्री ने कहा कि टाइगर छोड़ना ही मकसद नहीं है, बल्कि शिवपुरी को थानोर और पन्ना से जोड़कर एक पूरा टूरिज्म कॉरिडोर बनाने का संकल्प है। साथ ही मंत्री ने कहा कि लाडली बहना योजना के तहत सभी बहनों को इस योजना का लाभ दिया जाए, कोई भी बहना छूट ना जाए। लगभग एक महीने तक इसके फार्म भरे जाएंगे। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर, आज की जो मीटिंग हुई थी, सर किस संबंध में हुई है? ये आज की मीटिंग हमारी जो लाडली बहना योजना है उसकी तैयारियों की समीक्षा हमने की है। साथ ही 10 मार्च को कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी की जयंती है और उस उपलक्ष्य में हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह जी और तमाम नेतागण आएंगे जो टाइगर रिलीज करेंगे नेशनल पार्क शिवपुरी में। और ये ऐतिहासिक क्षण होगा शिवपुरी जिले के और ग्वालियर चंबल संभाग की जनता के लिए। सर, देखा गया है वो जंगल से लगे 5 गांव हैं सर, तो उसके जो जनता है उसके क्या होगा सर? जो 5 गांव हैं जो उसमें आएंगे उनके लिए विस्थापित करने की व्यवस्था कर दी गई है, उनको विस्थापित किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।